देखिए आज ददौजी खुर्द में एमके क्लास कारखाने से लेकर और जहां पर हम अभी खड़े हैं प्राथमिक विद्यालय तक, इस मार्ग का हमने हॉट मिक्स, साइड पट्टी इंटरलॉकिंग और वाइट पट्टी कैटाई जो निर्माण कार्य होना है इसका शिलान्यास किया है। चूँकि ये नई आबादी है वार्ड नंबर 45 में और यहाँ से ददौजी कला, ददौजी खुर्द एक बड़ी आबादी जुड़ी हुई है जो लाइन पार क्षेत्रों को जोड़ने का काम करती है। हमने देखा है कि पिछले वर्षों से जब से हम आए हैं यहाँ पर काफ़ी आवागमन में जो समस्या रहती है, क्योंकि शहर का प्रमुख मार्ग है ददौजी कला। जैसा कि आपने देखा है हम लेबर कॉलोनी के जब जो मार्ग है उससे उतर के इस रोड पर चलते हैं तो यहाँ की जो दुर्दशा है वो मेरे ख्याल से यहाँ के लोग भली भांति उसको महसूस करते होंगे। तो जितनी भी तकलीफ अभी तक यहाँ के लोगों को हुई, चूँकि ये सड़क है जो अभी मुझे यहाँ के लोगों से पता चला पिछले 15 सालों से इस सड़क पर कोई भी काम नहीं किया गया, तो आज यहाँ के सभी नागरिकों की गर्मामयी उपस्थिति में, माननीय पार्षदगण है मेरे साथ, कार्यकर्ता है, सभी की गर्मामयी उपस्थिति में आज हमने इस कार्य का शिलान्यास किया है। ये कार्य होने के पश्चात मुझे लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए और यहाँ से निकलने वाले लोगों के लिए होने वाली है। तो मैं यहाँ के लोगों को और यहाँ के सभी क्षेत्रवासियों को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आप सब आए, इस शिलान्यास में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वार्ड नंबर 16 में 38 फुटा रोड है जिसको आपने देखा है अभी, इस रोड का हमने सीसी निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। चूँकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये परिक्रमा मार्ग है, करौली मंदिर की जब परिक्रमा होती है तो यहाँ से आकर जो श्रद्धालु होते हैं वो निकलते हैं, तो यहाँ की स्थिति जो है आपने देखी है जर्जर है, कहीं कहीं कंकड़ पत्थर भी छुपते हैं जब श्रद्धालु निकलते हैं, तो जिसके तर्ज पर इस काम को स्वीकृति मिली है और आज सभी जनता की, यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, हमारे बड़े आदरणीय लोग हैं, सबकी गर्मामयी उपस्थिति में आज हमने इस कार्य का शिलान्यास किया है। इस कार्य की कुल लागत लगभग 31 लाख रुपए है। देखिए आज गोपीनाथ रोड है जो हमारे शहर की बहुत ही प्रसिद्ध रोड है, उर्वशी क्षेत्र से लगा हुआ ये मार्ग है। उर्वशी रोड भी नगर निगम के द्वारा बनाई गई और आज बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद क्षेत्रवासी लगातार मांग कर रहे थे। आज यहाँ पर महिला शक्ति भी है, बड़े बुजुर्ग भी हमारे क्षेत्रवासी हैं, सभी की गर्मामयी उपस्थिति में आज हमने जो गोपीनाथ रोड है इसका जो सीसी निर्माण कार्य किया जाना है, लगभग 380 मीटर लंबाई की ये सड़क है, 6 मीटर चौड़ी है और ये काम जो है सीसी निर्माण कार्य है जो आज इसका शिलान्यास किया गया है, काम बहुत जल्द लग जाएगा। पूजन हो चुका है तो इस कार्य के लगने के बाद जो यहाँ पर हमारा शहर चूड़ियों का शहर है, ठेले वाले निकलते हैं उनको जहाँ जहाँ गड्ढे होते हैं काफी तकलीफ होती है, तो आज उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए आज ये शिलान्यास किया गया है। बहुत जल्द जो काम हो जाएगा उससे यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, लगे हुए क्षेत्र हैं, वार्ड हैं, उन लोगों को आवागमन में काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है। इस कार्य की कुल लागत लगभग 27 लाख रुपए है। आज नगर निगम के वार्ड नंबर 33 जैन नगर में, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सिंह साहब वाली गली है और पिछले एक दो साल से लगातार हमारे जो पार्षद जी हैं आदरणीय चाचा जी, जिन्होंने बार बार कहा कि इस रोड को बनाया जाए, तो एक बार हम दोनों ने मिलकर इस सड़क का निरीक्षण किया पैदल और यहाँ की समस्याओं को जाना, क्षेत्रवासियों से बात की और उसके बाद इस कार्य को स्वीकृति के उपरांत आज हमने यहाँ के क्षेत्रवासी हैं सबकी गरिमामयी उपस्थिति में इस जी ये जो रोड है ये दो रोड को जोड़ती है, जैसे जैन नगर रोड और मथुरा नगर की रोड का एक लिंक मार्ग है और इस पर यातायात का भी दबाव रहता है, आवागमन भी बहुत अधिक रहता है, तो जिसमें सीसी निर्माण कार्य का हमने शिलान्यास किया है। मुझे लगता है कि अब तक जो असुविधा यहाँ के लोगों को हो रही थी उससे निजात मिलेगी, ये सड़क बहुत जल्द बनके तैयार हो जाएगी, यहाँ के लोगों को एक अच्छी सड़क मिलेगी, अच्छा साफ सुथरा वातावरण मिलेगा। इसी के साथ आज जो लोग यहाँ पर एकत्रित हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, एक छोटे से कॉल पर, एक छोटे से आग्रह पर यहाँ के शिलान्यास कार्यक्रम में आमंत्रित हुए, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।